Hi everyone, you are watching Concept Tech 2018. On the request from all of you regarding videos on 8051, I am starting a complete series of videos providing A to Z information about microcontroller 8051. This series will include hardware as well as the software, that is the programming part. And lastly, some projects based on this microcontroller will be discussed. So after watching this complete series, you will understand everything about this board, the components mounted on the board, and you will become an expert on microcontroller. In this series, at the end of each video, I'll give you some questions to test your understanding. You can type answers in the comment section and I'll give you correct answers of the previous video at the beginning of the next video. This is the first part in the series of microcontroller, or is part mein hum discuss karenge basics of microcontroller. Is part mein hum microprocessor aur microcontroller ka relation aur unke differences dekhenge aur hum microcontroller ke applications bhi discuss karenge. Hum shuru karenge microprocessor system se. So exactly what is a microprocessor? Microprocessor mein we have a control unit, arithmetic logic unit aur register array. Control unit sare operations perform karta hai. Wo in fact instruct karta hai ALU yani arithmetic logic unit ko operation perform karne ke liye. Aur operation jis data pe perform hota hai wo register array mein saved rehta hai. ये एक माइक्रोप्रोसेसर है, बट माइक्रोप्रोसेसर अकेला काम नहीं कर सकता, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर क्या काम करेगा, किस प्रोग्राम को रन करेगा वो मेमोरी में लिखा रहता है, किस डेटा पे काम करेगा वो डेटा भी मेमोरी में रहता है. तो माइक्रोप्रोसेसर के साथ मेमोरी कनेक्टेड रहती है, रोम और रैम. रोम इज रीड ओनली मेमोरी, रैम इज रेंडम एक्सेस मेमोरी. और ये मेमोरीज कनेक्ट रहती हैं सिस्टम बस से, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस के थ्रू ये मेमोरीज जो है माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्टेड रहते हैं. प्लस माइक्रोप्रोसेसर के साथ कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्टेड रहते हैं. ये डिवाइसेस भी इन्हीं बसेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर को इंटरफेस करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से. तो ये कंप्लीट एक माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम है, और इस स्लाइड से हमने ये डिड्यूस किया, ये कंक्लूड किया है कि माइक्रोप्रोसेसर एक स्टैंड अलोन डिवाइस की तरह काम नहीं कर सकता, उसको एक्सटर्नली मेमोरी और आईओ डिवाइसेस की जरूरत है एक कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए, काम करने के लिए. ये वही सिस्टम है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है. माइक्रोप्रोसेसर है, मेमोरी है और आईओ डिवाइसेस है. अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक चिप के अंदर डाल दें, सिंगल चिप के अंदर हम माइक्रोप्रोसेसर भी डाल दें, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डाल दें, तो ये बन जाएगा एक माइक्रो कंट्रोलर. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर आपस में किस तरह रिलेटेड है. माइक्रोप्रोसेसर is a part of microcontroller, right? अब यहाँ microprocessor और microcontroller दोनों के diagrams बने हुए हैं. आप देख सकते हो microprocessor यानी जो CPU है, that is the microprocessor, और उसके साथ externally RAM, ROM, IO ports, timers, serial COM port सब connected है. वहीं microcontroller में इंटरनली सब कुछ अवेलेबल है, उसके पास आईओ पोर्ट्स हैं, टाइमर है, रैम है, रोम है, सीरियल कॉम पोर्ट है. अब जब हम इतनी सारी चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर तो बहुत अच्छा डिवाइस हो गया. इसने तो माइक्रोप्रोसेसर को रिप्लेस ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये एज ए स्टैंड अलोन डिवाइस काम कर सकता है. लेकिन माइक्रोप्रोसेसर भी माइक्रो कंट्रोलर की तरह मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. माइक्रोकंट्रोलर ने माइक्रोप्रोसेसर को रिप्लेस नहीं किया है, और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम एक चिप में सब कुछ डाल देते हैं, तो
उसमें हम मेमोरी का साइज जो होगा वो लिमिटेड होगा, नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स होंगे वो भी लिमिटेड होंगे, क्योंकि अगर हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है तो फिर उसका पावर कंजम्पशन, स्पीड और उसका साइज जो माइक्रो कंट्रोलर के एडवांटेजेस हैं वो फिर नहीं रहेंगे, राइट। और अगर माइक्रो प्रोसेसर में देखें तो क्योंकि उसमें एक्सटर्नली मेमोरी कनेक्टेड है, एक्सटर्नली आईओ पोर्ट्स कनेक्टेड है या टाइमर्स कनेक्टेड हैं, तो मेमोरी का साइज या आईओ पोर्ट का नंबर या टाइमर आईसीज के नंबर हम ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा होगी माइक्रो प्रोसेसर में कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। इसलिए स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए या स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए जहां पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट या आईओ पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट लिमिटेड है वहां हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। अब हमने दोनों का रिलेशनशिप देख लिया, अब हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट तो वही है जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि माइक्रो प्रोसेसर में आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर एरे है, और वही माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर अंदर लगा हुआ है और एडिशनली उसमें रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, टाइमर्स, ये सब कुछ लगा हुआ है। तो ये डिफरेंस हो गया हार्डवेयर वाइज। अगला डिफरेंस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जो है ज्यादा बल्कियर और एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट वर्क एज ए स्टैंड अलोन डिवाइस, तो उसके साथ एडिशनल हमको मेमोरी और आईओ डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। और इसको माइक्रो कंट्रोलर से कंपेयर करें तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, कॉम्पैक्ट डिवाइस है। कॉम्पैक्ट है यानी उसमें इंटरनली सब कनेक्टेड है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसका पावर कंजम्पशन भी लो रहेगा कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का एडवांटेज क्या है, क्योंकि रैम, रोम और आईओ पोर्ट्स एक्सटर्नली कनेक्टेड है, तो इसका एडवांटेज है इसकी वर्सैटिलिटी, यानी हम इसकी अमाउंट ऑफ मेमोरी या नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर जो है क्योंकि ऑन चिप, चिप के अंदर ही रैम, रोम और आईओ पोर्ट्स लगे हैं जिसका अमाउंट फिक्स्ड है, वी हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आईओ पोर्ट्स इन माइक्रो कंट्रोलर। तो ये कब यूज करते हैं, जहां पे कॉस्ट और स्पेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं वहां पे हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज करेंगे। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और उसका एड्रेसिंग मोड्स भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर, जहां पे वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड वेरी फ्यू एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स यानी हाउ डू वी एड्रेस द डेटा, जिस डेटा पे हम ऑपरेट करेंगे हाउ डू वी एड्रेस इट, लाइक वी हैव मेमोरी एड्रेसिंग, वी हैव रजिस्टर एड्रेसिंग और वी हैव इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स। तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड्स जो हैं माइक्रो प्रोसेसर में ज्यादा हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा हैं कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर में कम हैं कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस मीन्स व्हेन यू आर ऑपरेटिंग ऑन सिंगल बिट, राइट। नॉर्मली इफ यू हैव 8-bit माइक्रो प्रोसेसर और 16-bit माइक्रो प्रोसेसर, वी हैव बाइट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन जो डेटा की बाइट पे डील करते हैं। बिट हैंडलिंग में मोस्टली वी हैव कॉम्प्लीमेंट कैरी या वी हैव सेट कैरी, इस तरह के इंस्ट्रक्शन हम कैरी बिट पे ऑपरेट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। लेकिन जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे रैम की लोकेशंस हैं जो बिट वाइज ऑपरेशन के लिए दी हुई हैं, मतलब वी कैन हैव बिट एज वेल एज बाइट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस इन माइक्रो कंट्रोलर। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। एक्सेस टाइम की बात करें मेमोरी आईओ डिवाइसेस की, तो एक्सेस टाइम यानी मेमोरी आईओ डिवाइस को रीड या राइट करने में लगा टाइम। तो क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी और आईओ डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली, तो इट रिक्वायर्स मोर एक्सेस टाइम, वेयर इज इन माइक्रो कंट्रोलर सब कुछ ऑन चिप है तो मेमोरी और आईओ को एक्सेस करने में कम टाइम लगता है कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर।
डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोप्रोसेसर ज्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि माइक्रोकंट्रोलर में सब कुछ ऑन चिप होने से सब कुछ फिक्स्ड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। माइक्रोप्रोसेसर में मेमोरी मैप जो है वो सिंगल है फॉर बोथ डेटा एंड कोड। इसका मतलब है माइक्रोप्रोसेसर की जो गिवन एड्रेस रेंज है, उस एक एड्रेस रेंज या जिसको हम मेमोरी मैप बोलते हैं, उस एड्रेस रेंज में डेटा और कोड दोनों लिखा जाएगा। लेकिन माइक्रोकंट्रोलर में डेटा और कोड दोनों का मेमोरी मैप सेपरेट है, यानी दोनों की अलग अलग गिवन एड्रेस रेंज रहेगी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम माइक्रोकंट्रोलर को मेमोरी से कनेक्ट करेंगे। लास्टली, माइक्रोप्रोसेसर में नंबर ऑफ पिंस, मल्टी फंक्शनल पिंस कम है कंपेयर टू माइक्रोकंट्रोलर। माइक्रोप्रोसेसर में मोस्टली दी एड्रेस डेटा लाइन इज मल्टीप्लेक्स्ड, है ना, सेम लाइन पे एड्रेस और डेटा आ रहा है, तो वो क्या हो गया, मल्टी फंक्शन हो गया एक तरह से, राइट। या उसकी स्टेट लाइन्स जो हैं, स्टेटस लाइन्स जो हैं, वो मल्टी फंक्शनल होती हैं, राइट। पर माइक्रोकंट्रोल में बहुत सारी पिंस हैं जो मल्टी फंक्शनल होती हैं। अब हमने दोनों का रिलेशन, दोनों का डिफरेंस समझ लिया। लेट सी दी एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोकंट्रोलर। माइक्रोकंट्रोलर इज यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम यानी कोई भी एक डिवाइस, एक सिस्टम जिसमें हमने माइक्रोकंट्रोलर को एम्बेड कर दिया है, राइट। फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन माइक्रोकंट्रोलर हमने उसमें लगा दिया है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंट्रोलर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके अगर कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जहां पे माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। उसमें आ जाएगा वी हैव टॉयज, कैमरास, रोबोट्स, जितने होम अप्लायंसेज हैं ऑटोमेटिक, लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, सब में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, यहाँ पे हम लैब में जैसे आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, ऑसिलोस्कोप है, मल्टीमीटर है, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स दे हैव माइक्रो कंट्रोलर इनसाइड इट। जहाँ पे भी वी हैव सेंसर्स, वी आर सेंसिंग टेकिंग सम इनपुट डेटा एंड डिस्प्लेइंग सब डेटा और प्रिंटिंग द डेटा, वहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ECG मशीन्स हैं, एक्यूचेक मशीन्स हैं, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम में मोबाइल फोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, आंसरिंग मशीन्स हैं, ऑफिस में फैक्स है, प्रिंटर्स हैं, इन सब एप्लीकेशंस में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। उसके बाद मल्टीमीडिया में MP3 प्लेयर्स हैं, म्यूजिक प्लेयर्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्पीडोमीटर्स है, ABS सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, राइट। सो देर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जिसमें माइक्रो कंट्रोलर हम यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर एंड लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ रिलेटेड टू माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज चीपर इन माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, विच इज मोर फ्लेक्सिबल, वॉट डू वी मीन बाय मल्टी फंक्शन पिंस इन माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रोप्रोसेसर, what is the difference between bit and byte handling instructions, can we increase the memory capacity of a microcontroller, microcontroller ki capacity hum badha sakte hain kya memory capacity, lastly embedded system kya hota hai, define embedded system, you can answer all these questions in the comment line and I'll discuss the answers of all these questions in the next video, that is the part 2 of microcontroller. I hope you have understood the basic concepts of microprocessor and microcontroller. Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe my channel Concept Tech 2018 and keep watching this series to be an expert in microcontroller 8051.